यूपी के बांदा में सपा के नेता धर्मेंद्र यादव पहुंचे, जहां उन्होंने खंगार समाज के कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सपा ने पहले भी कहा है कि उनके निजी विचार यानी कि बयान है, और पार्टी इन चीजों से न तो इत्तेफाक रखती है और न ही सहमत है, न ही पार्टी की भागीदारी है। भाजपा के लोग स्वामी प्रसाद मौर्य पर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा वाले तो स्वामी की बेटी और अपनी पार्टी का सांसद बनाकर घूम रहे हैं। भाजपा के लोग स्वामी की बातों से ज्यादा सहमत है, इसलिए उनकी बेटी को अपनी पार्टी से सांसद बनाए आगे भी शायद चुनाव लड़ाएंगे। उन्होंने 2024 के चुनाव को लेकर कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें में चुनाव में जीत कराएंगे और लड़ेंगे, जिससे के साथ इंडिया गठबंधन में पूरी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, सबसे ज्यादा सपा सीटों से जीत हासिल करेगी। उन्होंने यह भी दावा किया है कि इस बार बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट से सपा की जीत होगी। उन्होंने जनता से जुड़े तमाम मुद्दों पर चुनाव लड़ने की भी बात कही है। 1950 में जब हमारे देश का संविधान और भीमराव अंबेडकर जी के दस्तावेज धरती को लेने के लिए तैयार करके देश के लोगों को दिया, हमारे संविधान द्वारा जो उन्होंने बनाया, उससे पहले हमें कोई अधिकार नहीं थे। उन्होंने अधिकार दिए दलित भाइयों को, मंडल राज की विकास आई, पिछले लोगों को यहां पर अधिकार मिला है। उन अधिकारों की ये रक्षा करने का समय आ गया था। ये मान के चलना, अगर 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती तो ये दलित पिछड़ों को अधिकार, ये मुसलमान भाइयों को अधिकार, हर और आरक्षण जो मिला हुआ है, ये बीजेपी के लोग पूरी तरह से खत्म करने का संकल्प कर रहे हैं। इस आरक्षण को भी हमें आपको के लिए बचाना है, हमें अपनी नौकरियों को बचाना है, हमें जो हक अधिकार दे दिए हैं बहुत सारे संविधान ने, उस संविधान को भी बचाना है। और बड़ी बात नहीं कह रहा मैं भाजपा के मीडिया के साथियों, अगर 24 में बीजेपी लौटी तो ये देश का लोकतंत्र भी पूरी तरह से बीजेपी के लोग खत्म कर देंगे, मान के चलना। ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव होगा, ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव होगा। इसलिए इस मौके पर आपसे कहूंगा, जहां समाजवादी लोग आर्मी अखिलेश जी के नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष से आपने कर रहे हैं, वही मुझे यकीन है जो हमारा इंडिया का गठबंधन बना है। ये इंडिया गठबंधन अलग अलग प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी को हरा के फिर की कोशिश पर पहुंचने का काम करेगा। की कट रही है सर, आज बांदा आगमन हुआ, समाजवादी पार्टी ने जो है खेत खंगार सिंह जी की जयंती पर जिस तरीके से बधाई दी है, उसको लेकर किस तरीके से समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी समाज के हर वर्ग, हर जाति और धर्म के लोगों का सम्मान करती है, और मैं समझता हूँ मैं सौभाग्यशाली हूँ इस बात को लेकर कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतने बड़े महापुरुष की जयंती के अवसर पर मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और यहाँ की अपनी पार्टी की यूनिट को, खंगार समाज को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मौका दिया इतने ऐतिहासिक पुरुष की जयंती में शामिल। सर, समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जो है लगातार हिंदू धर्म पर विवादित बयान दे रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि लगातार जो है केंद्र की सरकार भी कह रही कि समाजवादी पार्टी के बयान है ये। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने समय समय स्पष्ट किया है कि ये स्वामी प्रसाद जी की निजी उनके बयान हैं या विचार हैं, पार्टी इन चीज़ों से ना तो इत्तेफाक रखती है, ना सहमत है, ना पार्टी का कोई इसमें सीधी भागीदारी है। सर, रामचरितमानस पर भी उन्होंने कई बार टिप्पणियां की, इस बात का जवाब मैं समझता हूँ स्वामी प्रसाद जी देंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वामी प्रसाद जी पर आरोप लगा रहे हैं, उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो कि स्वामी प्रसाद जी की बेटी को अपना सांसद बना के घूम रहे हैं, और समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि इन बयानों से समाजवादी पार्टी का कोई मतलब नहीं है, लोकसभा को क्यों बार बार उठा रहे हैं? लोकसभा पर कितनी सीट? मैं समझता हूँ बीजेपी के लोग शायद स्वामी जी की बातों से ज्यादा सहमत हैं, इसीलिए उनकी बेटी को अपनी पार्टी का सांसद भी बनाया, और संभवतः भविष्य में भी चुनाव लड़ा रहे हैं। 2024 में लोकसभा में कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी? समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा लड़ेगी इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और इंडिया गठबंधन के अन्य पार्टियों के भी जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके भैया हैं, मिलकर तय करेंगे। इंडिया गठबंधन पूरा 80 पे लड़ेगा, उसमें मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर
समाजवादी पार्टी सबसे निर्णायक महत्वपूर्ण मजबूत पार्टी है तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की सबसे ज्यादा भागीदारी होगी। आज बांदा में आपका कार्यक्रम था, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहिए? समाजवादी पार्टी बांदा के कार्यकर्ताओं से मेरी यही अपील है कि आने वाले 2024 के चुनाव में बांदा चित्रकूट की जो हमारी लोकसभा है या तिनवारी विधानसभा जो हमीरपुर में भी भागीदारी है बांदा जिले की, उसको ऐतिहासिक वोटों से जिताएं, क्योंकि ये चुनाव जहां आने वाले समय में कैसे जाति जनगणना हो, कैसे समाज के हर वर्ग को न्याय मिले, कैसे हर वर्ग को भागीदारी मिले, कैसे समाज के अंदर जो बेरोजगारी है दूर हो, किसानों की समस्याओं का समाधान हो, अग्निवीर के जो नौजवान हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो, इन तमाम मुद्दों पर, या सरकारी कर्मचारी उनकी पुरानी पेंशन की समस्या का समाधान हो, बहुत सारे मुद्दों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। और मुझे यकीन है कि बांदा के लोग न केवल बांदा चित्रकूट लोकसभा बल्कि हमीरपुर लोकसभा को भी जिताने महत्वपूर्ण योगदान देंगे।